हैप्पी होली माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से होली खेल रहे होंगे। और ये वीडियो जो है हम होली के दिन बना रहे थे और आज हम पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम बना रहे हैं दही बड़ा। तो रात को जो है हम दाल को जो है फूलने के लिए रख दिए थे, तो खमीर तो आया नहीं था। और सुबह में उठ के देखे कि हाँ खमीर आ गया है, तो उसको जो है फिर हम फ्रिज में कुछ देर के लिए रख दिए थे। और उसके बाद हम यहाँ पे नाश्ता खाना ये सब जो है बहुत जल्दी जल्दी बना लिए हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पे दही बड़ा अच्छा से जो है बड़ा को मतलब उड़द दाल को जो है अच्छा से हम फेंट लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हम नमक डाले हैं और कुछ नहीं। और अच्छा से फेंटने के बाद यहाँ पे हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस साइज का ही हमको दही बड़ा चाहिए उस टाइप का हम बना रहे हैं। तो ये जो बड़ा देख रहे हैं पकौड़ा, तो ये थोड़ा बड़ा है और बाकी सब जो है हम थोड़ा सा छोटा छोटा बनाएंगे, क्योंकि उसमें जो है जल्दी से ही दही जो है अंदर चला जाएगा। हम जो है पानी में इसको नहीं डालेंगे, और डाल भी सकते हैं मतलब हम जो है ज़्यादातर जो है इसी तरह बनाते हैं। डायरेक्ट इसको जो है छानते हैं, उसके बाद हम दही में डालते हैं, मसाला जो भी लगता है इसमें डाल देते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 2-4 सेकंड में ही इसके अंदर रस घुस जाता है। उसके बाद सबको दे देते हैं खाने के लिए। और देखिए यहाँ पर जो है हम रात को बनाए थे गुजिया, तो उसी तेल में ही हम इसको फ्राई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तेल में भी काला काला लग रहा है। और ये जो कढ़ाई है इसी कढ़ाई में हम ज़्यादातर पूरी, और लोहा का कढ़ाई में सबको पता ही है कि अच्छा से फ्राई होता है, और लोहा का कढ़ाई में ही सबको खाना खाना चाहिए। और यहाँ पर जो है एक एक करके सारा पकौड़ा अभी हम तल लेंगे। और मसाला जो है हम जो है 2 दिन पहले ही इसका बना कर रखे थे, जैसे कि जीरा, धनिया और सूखी लाल मिर्च, ये तीनों जो है तवा पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिए थे। उसके बाद ठंडा हो गया था, उसके बाद पाउडर बना के हम रख लिए थे। और दही बड़ा बना रहे हैं तो चटनी, खट्टा मीठा चटनी तो चाहिए। तो हर साल जो है हम टोमेटो सॉस जो होता है वही वाला हम इसमें डालते हैं, मतलब दही में, उससे भी अच्छा लगता है खाने में। लेकिन इस बार सोचे हैं कि इमली का खट्टा मीठा चटनी बनाएंगे। तो इमली जो है हम गर्म पानी में फूलने के लिए रख दिए थे सुबह में उठ के ही। उसके बाद यहाँ पे हम अच्छा से गर्म कर लिए थे तेल, और इसमें डाले हैं थोड़ा सा जीरा और सूखी लाल मिर्च, और थोड़ा सा सरसों डाले थे। नहीं देंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी अच्छा बनेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं। और थोड़ा सा डालेंगे हींग, और इसमें हम इमली जो हम भिंगो के रखे थे उसको अच्छा से मैश कर लिए हैं, और जितना भी बीचा था सारा बीच फेंक दिए हैं, और अच्छा से इसको छान लिए हैं। उसके बाद इसमें कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसमें जब उबाल आ जाएगा इसमें हम डालेंगे चीनी थोड़ा सा, और ढेर सारा गुड़ डालेंगे, और यहाँ पे हम डाले हैं थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च नहीं, रेड चिली पाउडर डाले हैं। अब यहाँ पे हम गुड़ डाल रहे हैं, और गुड़ और चीनी दोनों जो है डालने से अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और इसको जो है हम ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में रख के भी हम 2-3 महीना खा सकते हैं। ऐसे तो 2-3 महीना के लिए हम नहीं बना रहे हैं, फिलहाल मेरा ये होली का 2-3 दिन कट जाए यही काफ़ी है। तो यहाँ पर जो है देखिए बन गया है, और ये जो है जब बन जाएगा तब थोड़ा सा हो जाएगा, अभी इतना सारा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए बन गया है, अब ठंडा भी हो चुका है। और अभी हम बनाएंगे मालपुआ, जो कि यहाँ पे हम कद्दूकस करके रखे थे जो सूखी वाली नारियल, तो उसी को इसमें डाले हैं, और थोड़ा सा किशमिश और काजू भी डाले हैं, और चाटो करके भी डाल रहे हैं क्योंकि अभी तेल इसमें ज़्यादा है। जब बनाते बनाते थोड़ा हो जाएगा तेल, उसके बाद हम 1 ठो या 2 ठो करके ही इसमें डालेंगे और बनाएंगे। और इस बार जो है थोड़ा थोड़ा ही बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बना के कुछ फ़ायदा है नहीं, खट्टा भी हो जाएगा, और गर्मी का भी टाइम है, और कोई खाता नहीं है। मेन बात है कि कोई खाता नहीं है, जैसे कि आज बनाए तो आज खा लेगा, कल सुबह तक खाएगा, उसके बाद जो है नहीं खाएगा। तो यहाँ पर जो है मालपुआ भी बन चुका था, और यहाँ पे पकौड़ा भी, दही बड़ा के लिए पकौड़ा भी बना लिए थे। तो यहाँ पे अभी हम कुछ देर इसी दही में डुबो के रखेंगे जितना चाहिए हम लोग को इस टाइम के लिए, और थोड़ा सा जो है रखे हैं अगर कल अगर किसी को खाना हो या किसी कोई अगर आ जाए उसको देना हो तो अलग से रखे हैं। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं सबको खाने के लिए। तो यहाँ पे हम इस दही में जो है हम भुंजा हुआ मसाला, मतलब
जीरा धनिया सूखी लाल मिर्च जो है इसमें डाले हैं, और थोड़ा सा हम डाले हैं इसमें बीट नून मतलब काला नमक, और डालेंगे इसमें मीठा वाला जो इमली का चटनी बना है वो, और डालेंगे इमली ना इमली का चटनी और भुजिया, भुजिया में वो जो सेवई आता है हल्दीराम का वो डालेंगे। और चटनी जो है बहुत अच्छा बना था, हम पहली बार बनाए हैं और अच्छा लगा खाने में, तो सोच रहे हैं कि ये जो है समोसा के साथ या कचौड़ी बनाते हैं या कुछ भी अगर जैसे कि पकौड़ा बनाए उसके साथ भी खा सकते हैं, मतलब खट्टा मीठा है। तो यहाँ पर जो है अभी हम दो कटोरी में लिए हैं और दोनों को दे देंगे, हम बाद में खाएंगे, सबको खिलाने के बाद हम खाएंगे। और बनाए थे चाट बनाए थे लेकिन हम उसका वीडियो जो है हम बना ही नहीं पाए, पता नहीं किस कारण से नहीं बना पाए, शायद फोन चार्ज में था या कुछ और। तो हम बनाए हैं और एक चीज़ जो कि है हम बनाए थे ठंडाई बनाए थे, तो ठंडाई जो है सुबह में ही हम दूध को जो है ठंडा करके मतलब उबाल के ठंडा करके फिर फ्रिज में रख दिए थे, अभी जो है पूरा ठंडा हो चुका है। और अभी जो है ये वीडियो, ये जितना भी वीडियो देख रहे हैं सुबह से लेके दोपहर तक का है, क्योंकि शाम को फिर चले गए थे होली रंग खेलने के लिए, अबीर खेलने के लिए, तो सोचे कि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडाई पी के ही निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम तीनों जया कुसुम और हम तीनों यहाँ पे छोटा सा ही गिलास है, हम चाय पीने के लिए ये सारा गिलास खरीदे थे, 6 पीस था लेकिन चाय पिए थे तो 2 कप 2 गिलास जो था टूट गया था। अब आ पहुँचे हैं यहाँ पे अबीर खेलने के लिए सब दीदी लोग के साथ बच्चे लोगों के साथ, तो चलिए होली रंग जो भी हो खेलते हैं और मजे करते हैं। आप सब कोई भी अच्छे से होली खेलिए, मजे कीजिए और अच्छे से रहिए। तो चलिए जल्दी नया वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी होली।